हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रिकेट विद चेतन पे। तो आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं TNPL का एक और मुकाबला जो कि दोपहर को खेला जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जाते जाते आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करके जाइएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम आज के मैच की बात करें तो ये खेला जाएगा नेल्लाई रोलाई किंग्स वर्सेस डिंडीगुल ड्रैगन्स के बीच, जो कि TNPL 2022 का 7वां मुकाबला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो हमारी फाइनल अपडेट और फाइनल टीम है वो टेलीग्राम चैनल पे ही आएगी। तो आप सब जाके वहाँ जुड़ जाइए। और आज के अगर मैच की मैं बात करूँ तो ये डिंडीगुल ड्रैगन्स DD वर्सेस NRK का मैच नंबर 7वां है, जो कि तारीख 30 तारीख को खेला जाएगा शाम को। ये दोपहर का मैच है, एक्चुअली 3:15 पे खेला जाएगा। तो आज 3:15 पे आप उसके आधे घंटे पहले टेलीग्राम पे एक्टिव हो जाइएगा टॉस अपडेट्स एंड फाइनल टीम के लिए। तो अगर मैं स्टेडियम की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्टेडियम पिछले जो 6 मैचों से सेम था और अब चेंज हो चुका है, तो ये नया ग्राउंड है। तो देखते हैं कैसे यहाँ की पिच कैसी परफॉर्म करती है। अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो इस NPR कॉलेज ग्राउंड डिंडीगुल की जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, और हमें यहाँ अराउंड 160 का एवरेज स्कोर दिख सकता है। और अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर अभी तक टोटल 50 मैच खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अभी तक 24 मैच जीते हैं और बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम 26 मैच जीत चुकी है। तो अराउंड यहाँ पे हम इक्वल मानेंगे, ज़्यादा कोई फेवर नहीं मिलता है अभी तक देखे गए स्टेट्स के हिसाब से। और अगर हम पिछले दोनों टीमों के खेले गए हेड टू हेड 5 मैचों की बात करें तो यहाँ से डिंडीगुल ड्रैगन्स 3 मैच जीत चुकी है, जहाँ सिर्फ NR के 2 मैच जीतने में कामयाब रही है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछला मैच NRK ने जीता था और उसके पहले के 2 मैच ड्रैगन्स ने जीते थे, और उसके पहले का मैच NRK जीत चुकी है, और जो उसके पहले का मैच है वो DD ने जीता था। तो यहाँ पे हालांकि ज़्यादा बड़ा तो डिफरेंस नहीं कहेंगे, पर यहाँ पे डिंडीगुल ड्रैगन्स का पलड़ा भारी है पिछले 5 मैचों में। और अगर हम दोनों के पिछले 5 मैचों की टीमों की बात करें खुद के, तो यहाँ पे से जो NRK है उसने अपना पिछला मैच जीता है और उसके पहले के 2 मैच हार चुकी है, और उसके पहले एक मैच जीता था और उसके पहले एक मैच नो रिजल्ट रहा था। और अगर मैं डिंडीगुल ड्रैगन्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 5 मैचों में से पिछले एक मैच ही जीत पाई है, तो इनका फॉर्म कंसर्न है। देखते हैं आज कैसा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से ओपनिंग करने आते हैं AG प्रदीप एंड हरी निशांत। जहाँ तक AG प्रदीप की बात करूँ तो अभी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाए हैं, देखते हैं आज क्या करते हैं, कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। हालांकि हम उनको टीम में नहीं रखेंगे। और अगर आगे बात करें तो हरी निशांत हमारे सबसे मस्त पिक है, क्योंकि ये ओपनिंग करते हैं, अच्छा बल्लेबाजी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, तो ये हमारी कैप्टनसी पिक है इस मैच की। तो अगर मैं इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो जो हेड टू हेड मुकाबले हैं इनमें हरी निशान ने NRK के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें अराउंड इन्होंने 2-2-3 50 मारी है इनके खिलाफ, तो अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं NRK के खिलाफ। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, आप यहाँ से इनको टीम से हटाने की गलती मत कीजिएगा। और अगर नीचे आते हैं तो के मनी भारती, जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इनकी बैटिंग जरूर आएगी तो हम इनको टीम से बाहर नहीं रखना चाहेंगे। और नीचे आते हैं विशाल वैद्या, जो कि अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं,
पर अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे खिलाड़ी है, जिस दिन चलेंगे उस दिन बहुत अच्छे खासे रन बना जाएंगे। तो यहां से बताऊं तो ये हमारे जीएल पिक बन जाते हैं। तो अगर आप जीएल में इनको ट्राई करेंगे तो वहां आप इनको एज ए कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। और नीचे आते हैं तो आर मोकित हरिहरन, जिनकी अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आई है, ठीक ठाक खेले हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। अगर इनकी बैटिंग आती है तो आप इनको जीएल में ट्राई कर सकते हैं, हालांकि हेड टू हेड से हम इनको बाहर ही रखना चाहेंगे। और फिर नीचे आते हैं के मनी भारती, जो काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं, तो हम इनको टीम से बाहर ही रखना चाहेंगे, आप इनको जीएल में ट्राई कर सकते हैं। और फिर आते हैं आर विवेक, जो कि एक अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन के साथ अच्छे बॉलर भी हैं, तो विकेट भी निकाल के ले जा रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से, तो हम इनको टीम में जरूर रखेंगे। फिर नीचे आते हैं के मोनिश, जिनकी अभी तक कोई डिसेंट गेंदबाजी रही है, तो हम तो इनको टीम में नहीं रखेंगे, आप अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं। और अगर हम एल विकनेस की बात करें तो एक अच्छे बॉलर के साथ एक अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी है, तो हम इनको टीम में जरूर रखेंगे। फिर आते हैं एम सिलाबराशन, एम सिलाबराशन की बात करूं तो एक अच्छे गेंदबाज है, परफॉर्मेंस देते हैं हर बार, तो हम इनको हेड टू हेड टीम और एसएल टीम में जरूर रखेंगे। फिर आते हैं मनोज कुमार, इनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ ज्यादा इनके अच्छे परफॉर्मेंस स्टेट्स अभी तक हमें नहीं मिले हैं, तो देखते हैं आगे वाले मैचेस में कुछ परफॉर्मेंस करते हैं तो हम जरूर इनको टीम में रखेंगे। और अब आते हैं हम हमारे टॉपिक सेक्शन पे, जहां हम आपको कुछ इस मैच के टॉपिक्स बताएंगे जो मस्ट पिक रहते हैं और अच्छे प्लेयर हैं हर बार परफॉर्मेंस करके देते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं हमारे कैप्टन पिक हरी निशान, जिन्होंने 10 मैचों में 372 रन बनाए हैं और इनकी एवरेज 37 की रही है और स्ट्राइक रेट 128 का रहा है। और गेंदबाजी भी करते हैं, यहाँ पे हम गेंदबाजी का रिकॉर्ड अगले मैच में इनका जरूर ऐड करेंगे। तो अगर हम आर विवेक की बात करें तो यहाँ से 10 मैचों में 263 रन बनाए हैं और इनका एवरेज 37 का रहा है और स्ट्राइक रेट 157 का रहा है, तो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और उसके साथ साथ एक अच्छे बॉलर भी है, जहाँ ये हमको विकेट निकाल के भी पॉइंट्स दे सकते हैं। और अगर नीचे आऊँ तो बाबा अपराजित, जिन्होंने 10 मैचों में 244 रन बनाए हैं और इनका एवरेज 30 का रहा है और स्ट्राइक रेट 127 का रहा है। अगर स्ट्राइक रेट पर ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये बल्लेबाजी के साथ साथ हमें गेंदबाजी से भी पॉइंट दे सकते हैं, इससे हम इनको टीम में जरूर रखेंगे। और अगर संजय यादव की बात करूँ तो संजय यादव एक 10 मैचों में 215 रन बनाए हैं, जहाँ इनका एवरेज 43 का रहा है और स्ट्राइक रेट 138 का रहा है, तो ये हमारे एक मस्त पिक है, अच्छे और विकेट बॉलिंग भी करते हैं तो विकेट निकाल के भी दे सकते हैं। तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ से हमारे वी अत्यराज डेविडसन आते हैं, जिन्होंने 9 मैचों में 12 विकेट निकाले हैं, 7 की इकोनॉमी रही है और इनका स्ट्राइक रेट 17 का रहा है, मतलब ये हर 17वीं गेंद पे विकेट निकाल जाते हैं, तो हमें अराउंड 1-2 विकेट लेते हुए इस मैच में भी दिख सकते हैं। अगर हम अगले टॉपिक्स पे आते हैं तो यहाँ से आते हैं आर सुतेश, जिन्होंने 9 मैचों में 12 विकेट निकाले हैं, जी हाँ इनकी इकोनॉमी 6 की रही है और स्ट्राइक रेट 16 का रहा है, तो देखते हैं इस मैच में खेलते हैं कि नहीं। और अगर नीचे आता हूँ तो एम सिलाबराशन की बात करूँ तो 10 मैचों में 7 विकेट निकला है और इनकी इकोनॉमी 7 की रही है, जहाँ इनका एवरेज 26 का रहा है, तो अगर टीम में बनती है तो हम इनको लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगर आगे मैं बात करूँ तो ये हमारी इनिशियल टीम है, अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में से या फिर आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, जहां आपको टॉस अपडेट और टीम प्रोबेबिलिटी फाइनल टीम मिलेगी और फाइनल टीम भी वहीं मिलेगी, तो जाके जुड़ जाइए। तो अगर मैं इस टीम की बात करूँ तो यहाँ से हमें विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलते हैं के मनी भारती, एन पी आर रंजन पॉल, जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और एक अच्छे खिलाड़ी है, तो हम इनको टीम में जरूर रखेंगे। और अगर बैटिंग सेक्शन में बात करूँ तो यहाँ से हमने रखा है एल सूर्य प्रकाश और आर विवेक एंड बाबा इंद्रजीत, जहाँ आर विवेक हमें बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। अगर मैं ऑलराउंडर सेक्शन में आता हूँ तो यहाँ से हमने संजय यादव, हरी निशान एंड बाबा अपराजित को
अपनी टीम में जगह दी है। तो यहाँ से हमने हरी निशांत को कैप्टन और संजय यादव को वाइस कैप्टन किया है। तो ये दोनों ही ऑलराउंडर है, दोनों हमें बैटिंग बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं। अब इनको जीएल में कैप्टन संजय यादव और हरी निशांत को वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो पीआर रंजन भी एक अच्छे जीएल पिक बन जाते हैं। तो यहाँ से पीआर रंजन पॉल एंड अभी तक बाबा इंद्रजीत ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो हो सकता है इस मैच में या तो फिर बाबा इंद्रजीत परफॉर्मेंस दे सकते हैं या फिर बाबा अपराजित परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आप इनको जीएल में जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लोग ने इनको कैप्टनसी से ड्रॉप कर दिया होगा, इन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिया है इसलिए। तो अगर मैं नीचे बात करता हूँ बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से आते हैं एन हरीश जो कि बैटिंग अभी अच्छी कर लेते हैं। और अगर आशुतोष की बात करूँ तो एक अच्छे बॉलर है। और फिर हमने यहाँ से जगह दी है एल विग्नेश को। तो यह हमारी इनिशियल टीम है, फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम पे जाके जुड़ना पड़ेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में से है, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले मैच की वीडियो शायद आज ही आ जाएगी, तो हम आपसे वहीं मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।